जो हमारे कस्टमर हैं जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन होते हैं कुछ आउट होते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी जो है लोगों ने एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा होता है हमारे लोग टीवी पे सुर्खी पाउडर देख के चीजें देख के लोगों की एडवर्टाइजमेंट देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन बाद में फिर वो लोग पछताते हैं और वो बीस बीस साल और पच्चीस पच्चीस साल वो बैठे रहते हैं वी नो द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी द फर्स्ट रियल स्टेट अल्लाह नाजरन वैल्यू टी वी के साथ मैं मूँ अशरजुलफ़िकार और आप देख रहे हैं वैल्यू टी वी डिजिटल चैनल नाजरन आज हम लोग मौजूद हैं रजीब प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स में और हमारे साथ मौजूद हैं रजीब प्रॉपर्टीज़ के ऑनर रिजवान नसीर साहब हम इनसे बात करते हैं प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है मार्केट की क्या सूरत हाल है इसके अलावा ये कुछ बिल्डिंग्स भी बनाते हैं उनसे बिल्डिंग मटीरियल के हवाले से भी कुछ बात करेंगे असल जी वाईक सर मुझे ये बताइएगा कि रजी प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स कब से मार्केट में इन है और कब से स्टार्ट किया आपने ये काम इसका वजूद तो अभी कम टाइम ही हुआ है लेकिन मुझे जो मार्केट में काम करते हुए तकरीबन 22 टू ईयर हो गए टू थाउजेंड में मैं असक्री स्टेट से मैंने स्टार्ट किया था और टू में फिर मैं चौहान स्टेट पर आ गया था और चौहान स्टेट की मेरी जो सर्विसज है वो तकरीबन दो तक जो है वो मैंने चौहान स्टेट पर एज ए सेल प्रजेंटर काम किया था और उसमें भी दो तीन ऐसे पैच आए थे जिस तरह के आज भी कुछ मार्केट थोड़ी स्लो है कुछ कभी तेज़ हो जाती कभी स्लो हो जाती इस तरह के बहुत सारे पैच हमने देखे हैं और बहुत सारे नशेबोफराज़ जो हमने देखे हैं मार्केट के और बाईस सालों में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी में आती और जाती रही हैं लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसा कारोबार है और ऐसी एक चीज़ है कि ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला एक बिजनेस है जिसको हम ले चल रहे हैं दूसरा आपका वैल्यू टी का शुक्रिया कि आप आए और ये वैल्यू टी से मेरा साथ कोई तकरीबन कोई पिछले दस साल से है और दस साल पहले जब वैल्यू टी चलता था तो एज ए गेस्ट हम वहाँ पे अपने आप को प्रजेंट करते थे और अच्छे अच्छे लोगों को मशवरे भी देते थे आज भी मैं कहूँगा लोगों को कि हमारी मार्केट ये जो उतार चढ़ाव है रुकना है चलना है बेसिकली इसका हुसन है अगर ये रुकेगी नहीं कहीं तो मुझे ये बताएं ये प्राइस जाएगी कहाँ पे इसमें रुकना है इसमें नए जो हमारे कस्टमर हैं जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन होते हैं कुछ आउट होते हैं कुछ को प्रॉब्लम होती है बेसिकली प्रॉपर्टी जो है ये बेसिकली लोगों ने एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पर रखा होता है एक सेकंड ऑप्शन है कि जिंदगी में कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको बेच के अपना टाइम जो है या अपने बच्चों की शादी है या उसकी एजुकेशन है कुछ लोग इसको प्लान करते हैं कुछ लोग अपने घर के लिए इसको प्लान करते हैं तो जब आप घर की तरफ जाते हैं तो एंड यूज़र जो है वो इस वक्त आप देखेंगे एंड यूजर इस वक्त परचेजिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई हुई है लेकिन फिर भी मार्केट उसमें स्टेबिलिटी है और कुछ मार्केट 10 से 20 परसेंट नीचे आई है तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप इसमें इस वक्त इन्वेस्ट करें जिसमें हमारे पास आगे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं अगर हम अदर देन मार्केट जाएं तो स्मार्ट सिटी इस वक्त बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो कि एक बिग नेम है हबीब रफ़ीक का जो कि उसको ऑन कर रहा है बेसिकली हमारे लोग टीवी पे सुर्खी पाउडर देख के चीज़ें देख के लोगों की एडवर्टाइजमेंट देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन बाद में फिर वो लोग पछताते हैं और वो 20-20 साल और 25-25 साल वो बैठे रहते हैं कि वो जो डेवलपर हैं वो उनको खिलाते रहते हैं जी बस हो रहा है जी बस जी अभी रोड्स बन रही हैं अभी हम आपको घर का पोजेशन देंगे इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा आप अपना एडवाइज़र जो है बेसिकली प्रॉपर्टी में मैं एक चीज़ कहूंगा कि जिस बंदे का एडवाइज़र उसका उसके साथ है तो वो पैसे गेन करेगा अगर जो जिसका एडवाइजर उसके साथ नहीं है वो उसको खाना चाह रहा है वो उससे उसको जिबा करना चाह रहा है तो फिर मेरा ख्याल है उस बंदे का कोई परेशान हाल नहीं है उसको मार्केट में बहुत जल्दी ही वो उसका जो एडवाइज़र है वो उसको आउट कर देगा आ, सर मैंने पिछले एक महीने में कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं डीएचए मार्केट के अंदर और डीलर्स काफ़ी परेशान हैं पिछले चंद सालों से वो कह रहे हैं मार्केट बहुत डाउन हुई है इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि पिछले दो तीन महीनों की निसबत में आज मार्केट की क्या सूरत हाल है ऐसा है कि सालों तो नहीं कह सकते आप छः से सात माह जब से ये रजिम चेंज आया ना उसके बाद हमारी मार्केट जो ना वो बिल्कुल खामोश हो गई तो मैंने पहले आपको कहा कि हमारी मार्केट का हसन भी यही है कि मार्केट रुकती है चलती है रुकती है चलती है इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और जो नए चीफ साहब आ गए हैं उसकी वजह से दो तीन दिनों से 29 के बाद या 28 से या ट्वेंटी सिक्स को मेरा ख्याल है ये फाइनल हुआ था कि जी नए आर्मी चीफ ये आ रहे हैं उनके बाद से अब कस्टमर जो है वो शुरू हो गया मार्केट में आना और उसने पूछना शुरू कर दिया कुछ सम टाइम वो पूछेगा फिर उसमें वो अपनी एक्टिविटी जो है ना वो शुरू करेगा अभी लोग देख रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है मार्केट माइनस की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो डीलर्स जो परेशान है उनकी परेशानी ख़त्म हो गई है एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है आई नहीं है आने वाली है इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके फौरन बाद हमारी मार्केट जो है वो बहुत ही बूम करेगी और इसमें एक अच्छा जो गेन आएगा सर मुझे ये बताइएगा कि इन्वेस्टर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे इन्वेस्टर काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और डी एच इंतज़ामिया की जानब से इन्वेस्टर्स के लिए क्या किया जा रहा है भाई बात यह है कि इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर जिसने छह माह पहले कुछ चीज़ ली है वो तो परेशान है जिसने साल दो तीन पहले कोई चीज़ ली है वो प्रॉफिट में है बेसिकली हमारा इन्वेस्टर जो है वो अगर एक करोड़ में गेन कर रहा है अगर उस एक करोड़ गेन में से दस लाख लॉस है तो उसको वो उसको लॉस समझता है बेसिकली वो लॉस नहीं है बेसिकली वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में से लॉस है आप अगर कहेंगे के आपने एक करोड़ रुपए की चीज़ बाई की है वो चीज़ 80 पे आ गई है या 90 पे आ गई इस चीज़ को मैं नहीं मानता हाँ वो लोग जरूर होंगे जिन्होंने एंड ऑफ आप ये कहेंगे के रिजीम चेंज से कुछ एक महीना पहले या दो महीने पहले अगर परचेजिंग की है या हमारी बहुत सारी छोटी फाइल्स हैं जो कि मार्केट में जिन पे डिप्रेशन आता है बेसिकली मार्केट में जो चीज़ लोकेशन में है उसमें ही सब कुछ है जो फाइल्स वाला हमारा कल्चर है उसमें जो है इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा पैनिक आता है कभी वो प्लस होती है कभी माइनस होती है उस वजह से जो इस वक्त हमारे इन्वेस्टर पैनिक है मेरा ख्याल उसको पैनिक नहीं होना चाहिए वो पैनिक इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉफिट में से लॉस कर रहा है वो असल में से तो लॉस नहीं कर रहा ना तो इस सेंस में, में मेरा नहीं ख्याल क्या हमारी मार्केट इस वक्त जो माइनस में है आप देखेंगे फिर सेवन है फिर सेवन में इस वक्त प्लॉट जो है तकरीबन साढ़े करोड़ रुपए का है मुझे यह बताएं साढ़े तीन करोड़ रुपए में किसने बाइंग की हुई है लोगों ने बाइंग की हुई है ढाई पे सवा दो पे डेढ़ पे मैंने खुद पैंतीस पैंतीस लाख रुपए के प्लॉट बेचे हैं सेवन के आप ये देखें कि जिस बंदे ने पैंतीस लाख का या ढाई करोड़ का प्लॉट लिया आज वो साढ़े तीन करोड़ रुपए का अगर वो साढ़े तीन से तीन तीस पे भी आ गया है, तो मुझे बताएं क्या लॉस है उसमें कोई लॉस नहीं है अभी नई एक टिप मैं अभी आपको देने लगा कि हमारे पास जो इस वक्त अगला जो पैच है डी एच ए में वो हमारा फेज नाइन है अगला आने वाला इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है या जो चीजें हैं जिसमें आपको गेंद मिल रहा है वो हमारा प्रिजम है प्रिजम में इस वक्त दो से लेके एक नब्बे से लेके तीन करोड़ तक इस वक्त प्राइस जा रही है जो कि डिफरेंस है आपका सेवन का और उसका तकरीबन पचास लाख रुपए का बेसिकली होता ही है कि जो एरिया ऊपर चल रहा होता है उसका टॉप और जो एरिया उससे पीछे होता है और उसका टॉप उसका माइनस वाला आप ये देखेंगे इस वक्त आपको दो पचास दो साठ दो में आपको दो दस में आपको सेवन में प्लॉट मिल जाता है वो ही दो दस दो बीस दो तीस जो है वो नाइन में है वो डिफरेंस जो है आप फाइव का सिक्स का एक टाइम था मैं टीवी पे वैल्यू टीवी पे बैठ के लोगों को कहता था कि जी फाइव और सिक्स ने आपस में मैच कर जाना इन दोनों की प्राइसेस जो है वो एक हो जानी है देख लें आज वो भी साढ़े पाँच छ करोड़ का वो भी साढ़े पाँच छ करोड़ रुपए का फिर हमने दो हजार तेरह में मैं आपको ईयर भी बता देता हूं पचपन लाख रुपए में फेस एट को बेचा फाइल हमारी और डी एच ए ने जो बैलेट किया उसका जो प्राइस थी उस वक्त वो पचपन लाख रुपए की थी और वो ऑन चल रहा उसमें माइनस भी था पचपन में और उसमें प्लस भी था माइनस था तीन चार लाख जो बैक वाले ब्लॉक थे जो अच्छे ब्लॉक थे वो चार से पांच लाख प्लस में थे और इंस्टॉलमेंट कितनी थी डाउन पेमेंट कितनी थी पांच लाख रुपया और इंस्टॉलमेंट भी कुछ साढ़े चार लाख रुपया आज वो पचपन वाला प्लॉट आज वो मिनिमम तीन करोड़ रुपए से स्टार्ट होता और पांच करोड़ रुपए पे होता जाता मैं कैसे मानू कि इन्वेस्टर कहता है कि मैंने मैं पैनिक हूं आप एक बंदे ने 2013 में 14 में 15 में बेसिकली हमारे हमारा एक ट्रेंड नया स्टार्ट हो चुका है जी आज हम ले और कल हमारा रेट कुछ हो वो एक सट्टा है वो एक जुआ है वो प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है हमारे डेवलपर ये समझते हैं कि हमने पैनिक क्रिएट करके एक चीज को ऊपर ले गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक प्रॉपर्टी का हुसन है हुसन ये है कि आप उस चीज को रखें कुछ साल दो आप रखें आपको एक अच्छा गेन मिलेगा एक मीटिंग में कल में बैठा हुआ था एक डीलर भाई था मेरा वो कहता है भाई जो चीजें हमें जबरदस्ती होल्ड करनी पड़ी और उनका जितना बेनिफिट दो तीन साल हमें हमें मिला हमने कैलकुलेट किया तो वो हंड्रेड टाइम से भी ज्यादा था वो तीन सौ टाइम था तो बेसिक चीज देखनी ये है आपने कि आप ये देखें कि आप प्रॉपर्टी में किस टाइम पे रहे हैं और आप उसमें कितनी देर में मैं मेरे पास अगर कोई कस्टमर आता है तो मैं सबसे पहले कस्टमर से यह पूछता हूं कि आपका उसमें मोड ऑफ टाइम कितना है आपके पास टाइम कितना है आप किस लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं आप घर बनाने के लिए कर रहे हैं आप दो साल के लिए करनी है आपने पाँच साल के लिए करनी है आपने किस तरह किस टाइम के लिए आपको होल्डिंग चाहिए क्या करना चाह रहे हैं हाँ अगर कल वाला काम है तो वो नहीं है इस वक्त वो मार्केट इस वक्त खुदारा नहीं है आपको साल दो वेट करना पड़ेगा बहुत सारी फाइलें हैं इस वक्त डीएचए में डीएचए टेन आ रहा है डीएचए टेन इज गुड इन्वेस्टमेंट अगले पांच साल के बाद क्यों उसकी रीजन कि फेज नाइन में इस वक्त जो प्लॉट उन्होंने पोजेशन देना है वो प्लॉट का पोजेशन जो है वो 2023 दिसंबर में उन्होंने कंप्लीट करना नाइन को ठीक है उसके बाद 2023 दिसंबर के बाद फिर हमारी नेक्स्ट जो फेज आ रहा है वो है फेज टेन फिर बिजनेस होना उसमें उसको अगर थोड़ा सा हम देखें तो एक पैंतालीस से आज एक पंद्रह एक सोलह जा रही है वो फाइल सोलह वाली दो हजार चौबीस में देखिएगा यही फाइल आपकी दो करोड़ रुपए की हो जाएगी हंड्रेड टाइम तो नहीं सेवनटी से एटी टाइम आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा सर मुझे ये बताइएगा नजीब प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के साथ बिल्डर्स भी है और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपका तजर्बा क्या कहता है डी एच में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है पहले की नस्बत या इसमें भी कुछ फ़र्क पड़े एज ए कंस्ट्रक्शन में एज एडवाइज़र या बिल्डर मुझे आए हुए तकरीबन पंद्रह साल हो गया पंद्रह सालों में मैंने देखा कि हमारी मार्केट में एक दफ़ा सिर्फ हमारा जो ये बिजनेस है ये डाउनवर्ड गया था और वो दो हज़ार पाँच में इसलिए गया था कि हमारे प्लॉट की प्राइस नीचे आई थी कंस्ट्रक्शन की प्राइस नीचे नहीं आई थी प्लॉट की प्राइस नीचे आई थी जिसकी वजह से लोगों को लॉस हुआ था 2005 से आज 2022 हो चुका है इस इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले एक एवरेज बिजनेस चल रहा था और एक एवरेज घर बन रहे थे जब इमरान ख़ान ने वो हमारी पॉलिसी जो है लॉन्च की कंस्ट्रक्शन वाली उसके बाद बहुत सारा बूम आया बहुत सारी बिल्डिंग्स पे काम शुरू हुआ बहुत सारे घरों पे काम शुरू हुआ बहुत सारे लोगों ने एज ए बिल्डर इसमें काम किया हमने भी किया लेकिन जब रजिम चेंज आया उसके फ़ौर बाद वो इंडस्ट्री हमारी मुल्क हमारा रुक गया कंस्ट्रक्शन के बारे में और हमारी प्राइसिस इस वक्त जो हैं वो बहुत ऊपर हैं मैं फिर लोगों को कहूँगा कि आपने घर अगर दो साल बाद प्लान किया हुआ है तो खुदारा आज उसको प्लान कर लें क्योंकि आज मार्केट की मटेरियल की प्राइस कम है दो साल बाद आपको वो प्राइस जो है वो नहीं मिलनी जो फेज़ सिक्स में हम घर बेचते थे साढ़े चार पाँच छः करोड़ रुपये का वो इस वक्त घर बारह से चौदह करोड़ रुपये पे चला गया उसकी रीज़न एक हमारा प्लॉट महंगा हो गया चार से छः करोड़ रुपये पे चला गया सेकेंड हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अगर हम सवा करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपए में एक कनाल के घर को कंप्लीट करते थे आज से तीन साल चार साल पहले अब वो घर की कंस्ट्रक्शन मिनिमम मिनिमम कस्टमाइज ढाई करोड़ रुपए हो चुकी है क्योंकि ग्रे जो लास्ट हमने मैंने किया था जो ग्रे वो साढ़े सत्रह सौ में किया था इस वक्त 2800, सौ से नीचे अच्छा ग्रे ए प्लस ग्रे 3000 से नीचे नहीं होता खुद वो आप उसका डिफरेंस इस तरह देख लें कि एक तरफ पचहत्तर लाख था जब हमने सत्रह सौ में किया था और आज वही डिफरेंस जो है वो तकरीबन आपका डेढ़ करोड़ रुपए पर चला जाता है वो डबल हो चुकी है आपकी प्राइस और आने वाले टाइम में और इसने ऊपर जाना है तो जिसने दो साल बाद घर को प्लान किया है उसके पास पैसे हैं तो उसको चाहिए कि वो आज ही अपने घर को स्टार्ट कर दें जी नाजीन हम लोग मौजूद थे डी एच ए फेज एट में रजी प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स पे और हमारे साथ मौजूद थे इनके ऑनर हिजबान बात की मार्केट की सूरत हाल जानी इसी के साथ साथ उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के हवाले से भी कुछ तफसीत बताई इसी के साथ अपने हमे हजबान्फार को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी फर्स्ट रियल स्टेट